विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत आज सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय से जिलाधिकारी राजीव रंजन ने की। जिलाधिकारी ने इस मौके पर विशेष संचारी रोग नियंत्रण के लिए पूरे जिले में भ्रमण करने वाली मोबाइल यूनिटों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी राजीव रंजन ने इस अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले इस महत्वपूर्ण अभियान में विशेष संचारी रोग को लेकर गाँव-गाँव में जाकर हर व्यक्ति को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में विशेष संचारी रोग पूर्वांचल के इन पिछड़े जिलों के लिए अभिशाप था, लेकिन सरकार की कोशिशों से इस रोग पर लगाम लगाने में काफी हद तक सफलता मिली है। जिलाधिकारी ने कहा कि 15 जुलाई से 30 जुलाई तक इस अभियान के तहत दस्तक का कार्यक्रम पूरे जिले में चलाया जाएगा। रोग नियंत्रण की शुरुआत की गई है, क्या पहल है और क्या किया जाएगा इस संबंध में? मैं अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद में 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ये संचारी रोग का अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जो हमारे सभी विभाग हैं अपने एक माइक्रो प्लान के साथ इस पूरी योजना में शामिल रहेंगे और वो बेसिकली जो है साफ सफाई, नालों की सफाई, फॉगिंग इत्यादि पे जोर डालेंगे। कृषि विभाग का काम जो है झाड़ियों इत्यादि की कटाई करवाने का काम है और इस तरह तमाम विभागों के अपने कार्यक्रम हैं। और इस 15 जुलाई से 31 जुलाई तक वो दस्तक अभियान भी चलेगा, जिसमें आशाएं बहनें जो हैं वो घर घर जाकर घर का भ्रमण, गृह भ्रमण करेंगी और इस चीज़ को देखेंगी कोई ऐसे केसेस तो नहीं है। तो ये पूरा का पूरा महीना जो है 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये संचारी रोग अभियान में पूरा का पूरा डेडिकेट है। सर, इसी महीने में ही किया जाता है, इससे पहले किसी उसमें जैसा कि आप अवगत है कि इस क्षेत्र में जो बरसात की शुरुआत होती है वो इसी समय शुरुआत होती है, तो हम लोग इसको अभियान के तौर पर चलाकर बारिश के पहले ये पूरी तरह से हम लोग। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।